Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कैसे हो दोस्तों, ठीक ठाक खैरियत। आज डे नंबर 3 है हमारे टूर का और आज से सही टूर स्टार्ट हो गया है। पहले दिन हम निकले थे कोई 1 बजे घर से, पेशावर आए थे, पेशावर से हमने स्टे किया, पेशावर से कुमराट दूसरे दिन में कवर हो गया और आज तीसरा दिन है कुमराट। आज एक्सप्लोर करेंगे, आगे जाएंगे, देखते हैं कितना आगे जा सकते हैं। और इस वक्त हमने मुकम्मल तैयारी जो है वो मुकम्मल कर दी है, सामान सब कुछ पैक कर दिया है मोटरसाइकिलों पे और हम जो है वो भी तैयार हो चुके हैं गियर शेयर लगा के। तो आइए वी टेक स्टॉप। हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया क्योंकि यहाँ व्यू भी अच्छा था, ठंड थी, असल में जो मेन चीज़ थी वो ठंड। हम आ रहे थे, गर्मी हो गई थी क्योंकि जैकेट पहना था, सेफ्टी जैकेट, तो हम थोड़ा सी ठंडे जगह में हमने सोचा कि इधर नाश्ता करते हैं। तो सामने होटल से ऑर्डर किया, अब नाश्ता के लिए नाश्ता भी आ गई है, पिक्चर सेशन स्टार्ट हो चुका है, DSLR मिला है ना। ओके, नाश्ता भी हो गया तो अब वो निकलने वाले हैं सब कुछ। अब इरादा ये है कि ऊपर चश्मे पे जाते हैं जो कुमराट का सबसे बड़ा चश्मा है, उसको विज़िट करते हैं, उसके बाद कुछ रहता नहीं गया। नो ओके, कुमराट का बड़ा चश्मा है उसको विज़िट करते हैं, उसके बाद फिर काला चश्मा। पूरा दिन हमारा है और कुमराट हमारा है आज। शुक्र है अफशार इधर ऊपर है, शुक्र है बंदे से पूछ लिया, चलो ऊपर जाते हैं। हैकिंग जारी है, अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर क्या है बस अब आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ऊपर क्या है। अच्छा तो परसों मैं बता रहा था ना कुमराट में सब कुछ मिलता है, देखो ये छोटे छोटे शॉप है, इन्होंने सब फैसिलिटी अवेलेबल की है, शहद चैप्स लिश्की शहद शॉट, यहाँ पे आपको छोटा मोटा खुराक का जो बिस्किट सामान है और ये भी मिलता है, शैम्पू भी मिलती है, सब कुछ लेज़र सब कुछ आप साथ मिलता है यहाँ पे। तो खुदा रहा ना आप जब आइए तो अपने साथ ये कुछ चीज़ें जो है ना ये ना लाइए, फिर क्या हो सिस्टम खरूप ही सब हो था। बारिश बहुत तेज़ आ गई है तो आप साथ लाएंगे तो ये चीज़ें इनसे फिर आप और हम खरीदेंगे नहीं क्योंकि हमारे साथ अपनी होगी, तो ये 2-3-5-10 रुपए जो कमाते हैं 15-20, तो ये जिनसे इसकी घर चलते हैं चूल्हा जलता है उसमें थोड़ी दुश्वार होती है, तो अपने साथ ये चीज़ें ना लाएं।
वाटरफॉल, वाटरफॉल से तो हम निकल चुके हैं और अभी आगे जा रहे हैं ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर चश्मा, काला पानी चश्मा। जो 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 आराम से आराम से आराम से, यहाँ भगाना नहीं है एक्सलेटर के ज़रिए। यार जितना वो मांगती है उतना दो एक्सलेटर, ज़्यादा भगाओगे तो आपको उल्टे उल्टे रास्तों पे लेके जाएगी। एक पत्थर ने मार दिया, लेकिन आसो दो बंदे हैं तो ज़्यादा ज़ोर मांगती है। दो बंदे सामान फिर बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। ये राइडिंग बहुत अच्छा कर रहा है, कोई इशू नहीं आई, फर्स्ट टाइम हो गया उसके साथ। चलो ये भी एक पार्ट है ट्रैवलिंग का। काला चश्मा हमने पीछे छोड़ दिया, अब वो आगे जा रहे हैं, आगे जो कुमराट का आखिरी सिर है, क्या नाम बता रहे हैं ये कामी लोग। हाँ उधर हम पता ही नहीं चला कि कहाँ रास्ता हो जाता है काला चश्मा की तरफ, ना बोट पड़ा हमने यहाँ। अब ऐसा करते हैं ऊपर जा रहे हैं उधर, वो देखते हैं पहले फिर डिसीजन लेंगे। अरे रास्ता खत्म नहीं होता, ये इश्क नहीं आसा, वो ना बोलता देखा मेरे का। पता नहीं कितना रास्ता होगा, वो पहाड़। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, दे मुख्ता दो जगनी तो सुमरा मजा ले। हाँ कुम सही छोड़े रहा मानना, शुक्रिया। 10 मिनट बता रहे हैं कि 10 मिनट लस 10 मिनट। कितना सफ़र बाकी है पता नहीं, लेकिन यहाँ बस स्टे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं। पानी यहाँ से आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमारे साथ हमारी एक बाइक साथ नहीं दे रही। आगे जाने से दोस्त कहते हैं कि पीछे जाते हैं, बस ये इतना काफ़ी था। अब पीछे जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, शोल करते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ पीछे हो जाएगा और फिर उधर काला चश्मा चले जाएंगे, होटल आ जाएंगे, टेंट लगा के सो जाएंगे। तो आगे जाने का जो प्लान है, ये कौन सा जगह है, क्या है, रह गया मुझसे। यकीनन ये हमारे किस्मत में नहीं था कि हम आपको देख सके यार। पता नहीं आगे कितना किलोमीटर होगा और हम ना जा सके, और अभी वापसी कर रहे हैं काला पानी तक। काला पानी देखना है, वहाँ स्टे करना है, बस अभी ये मेंशन है। अभी यहाँ से जाएंगे वादी के दरिया के साथ बैठ के लड्डू खेलना है, गपशप लगानी है, चाय पीनी है, और उसके बाद काला पानी जाएंगे। टाइम तो अभी है, सो अभी चलते हैं वापस।
इधर काला चश्मा था हम ऊपर गुजर गया यार। ये काला चश्मा पानी चश्मा है, जहाँ से निकलता है वह काला होता है, फिर है किधर? ये तो वाइट है। तोरे खुदा ना दी, ये नहीं है। किधर रहता है काला यार? ब्लैक वाटर रेस्टोरेंट। काला चश्मा, काला चश्मा, हर किसी से पूछते रहे काला चश्मा किधर है, काला चश्मा किधर है। देख लिया ना, ये था काला चश्मा। मैं कुछ और कुछ नहीं कहूँगा कि ये काला चश्मा किस वजह से कहते हैं। शायद कोई कहता है कि ये काला पहाड़ है, काला पत्थर है, उससे पानी निकलता है, तो काला चश्मा। काला चश्मा के नाम से मशहूर है, लेकिन ये पानी जो है ये काला नहीं है, बल्कि चश्मे की जगह जो है वो काला है। सो कुछ खास दिल नहीं लगा वहाँ पे, और वही पानी था तो वहाँ से निकल आए, क्योंकि टाइम बहुत लेट होता जा रहा है। और मेरा मन जो था कि वहाँ हम नहीं गए जहाँ हम जाना चाहते थे, जो सीन हम वहाँ करना चाहते थे कि वहाँ हम पहुँच जाए, उस जगह पे हम आराम से बैठ जाए और पुरसकून। कुमराट की जो सुकूनियत है, जो सुकून पुरफिज़ा है, जो सुकून इस धरती पे है, इस जगह पे है, वो महसूस कर सकते। राइडिंग तो हम करते गए, लेकिन वहाँ हम पहुँचे नहीं, तो काले चश्मे से हमने डायरेक्ट डिसीजन ये ली कि हम वापसी करेंगे और ख़ुद को कुमराट के मेन जगह तक, उधर जहाँ टेंट्स हैं वहाँ के करीब लेके जाए, होटल के करीब, और दरमियान में अगर कोई अच्छा सा स्पॉट्स मिल जाए तो वहाँ हम अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सके और बैठ जाए। तो अभी हम दिखाते हैं कि क्या करने वाले हैं।